हेलो दोस्तों, बिंदु ब्लेग ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे। सोच रहे होंगे आप लोग कि आज इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हैं दोस्त। आज हम जा रहे हैं मेला देखने दोस्तों, तभी हम वहाँ पर चल के आपको दिखाएंगे जिस मेले में हम जा रहे हैं उसका महत्व क्या है दोस्तों, और मेला में क्या क्या सामान आया हुआ है। चल रहे हैं हम मेला में, एंजॉय करेंगे दोस्तों, आप हमारी वीडियो में बने रहिए। हम चल रहे हैं मेला, आज हम कहीं बाहर निकल रहे हैं। आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे दोस्तों, और आपको दिखाते हैं मेला की सीन। देखिए आज हम अच्छा सा तैयार हो गए हैं क्योंकि हमें घर से बाहर जाने का मौका मिला है दोस्तों। बढ़िया सावन में हम जा रहे हैं दोस्तों, देखिए हमारे हाथ में बढ़िया हरी हरी चूड़ी है दोस्तों। हम खूब अच्छा सा तैयार होते हैं अगर हम कहीं जाते हैं दोस्तों, हम तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। आज देखिए दोस्तों, हम मेला देखने आए हैं। जिस मेले में हम आए हुए हैं उनका हम आपको दर्शन कराते हैं, फिर उनका हम महत्व बताते हैं दोस्तों कि इस मंदिर का महत्व क्या है दोस्तों। तो पहले हम मंदिर में जाते हैं और आपको आस्तिक बाबा का दर्शन कराते हैं। आइए मंदिर चलते हैं। बहुत फिसल रहा है यहाँ पे, बहुत चोट आ गई, चोट लग गई। हाँ ये ना फिसल भी रहा है भैया। हाँ Thank you.
का दर्शन तो हमने आपको करा दिया। हम आए हुए हैं आस्तिक बाबा का मेला। अब हम उनके बारे में बताते हैं, उनका महत्व बताते हैं। चमत्कारी आस्तिक स्वामी मंदिर, जहां जाते ही उतर जाता है सर्प का विष। दोस्तों हम मंदिर का दर्शन तो करा दिए और मंदिर का महत्व अब हम बताएंगे आपको। इस मंदिर का महत्व क्या है? कहा जाता है कि महाराजा परीक्षित द्वारा गलती से ऋषि कश्यप का अपमान हो गया, जिससे दुखी होकर ऋषि ने श्राप दे दिया कि सातवें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपनी मृत्यु निश्चित हो जाने के कारण गंगा किनारे जाकर तपस्या में लीन हो गए, लेकिन संयोग नहीं टला और दक्षक नाग फूल की टोकरी से निकलकर काट लिया और राजा की मृत्यु हो गई। राजा का पुत्र जनमेजय पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए व्याकुल थे, इसलिए उन्होंने नागवंश को अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। देखते ही देखते सभी सर्प यज्ञ में भस्म होने लगे। तभी पता चला कि दक्षक सर्प इंद्र के शरण में है और उसके सिंहासन में छुपा है। तो महाराजा जनमेजय ने आदेश दिया सिंहासन सहित यज्ञ में डाल दिया जाए। ऐसा सुनकर इंद्र डर गए और सिंहासन छोड़कर चले गए। तब मंत्रों के प्रभाव से दक्षक नाग सिंहासन सहित यज्ञ में गिरने लगा। ऐसा देखकर देवताओं ने कहा, राजन यज्ञ पूरा हो रहा है। तभी वहां आस्तिक मुनि प्रकट हो गए, जिनको नागवंश बचाने का आशीर्वाद मिला। वह राजा का गुणगान करने लगे और स्तुति करने लगे, जिससे खुश होकर राजा जनमेजय ने कहा, बालक ऋषि जो मांगना हो मांग लो। तब ऋषि आस्तिक ने कहा, राजन यज्ञ बंद करा दे और नागवंश को नष्ट होने से बचा ले। लेकिन राजा मान नहीं रहा था, परंतु काफी सोच विचार के बाद राजा ने यज्ञ बंद करा दिया। उधर ऋषि नाम ले लेगा, उसे कभी सर्प का भय नहीं रहेगा। तभी से लोग सावन मास की शुक्ल पक्ष दशमी को आकर पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ आस्तिकन मंदिर पर बहुत बड़ा मेला लगता है। दोस्तों यह अयोध्या से दक्षिण में 20-30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों मेला का पाठ हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते।